यार रीफ राजस्थान काउंसलिंग का इंतजार बहुत सालों से बच्चों का था। बहुत बार फॉर्म भी भरे भैया, हाँ गड़बड़ भी हुई, काउंसलिंग भी हुई। अब लेकिन एट द एंड रिजल्ट आने के बाद में बच्चों को क्या ऑप्शन दिख रहा है वहां पे? नो सीट अलॉटेड और चॉइस एडजस्टेड। हाँ जी भैया, अब क्या करें, अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने कितने कॉलेजेस भरे होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस। लोट ऑफ बच्चों ने तो 12 12 13 13 काउंसलिंग करी थी, यानी कि टोटल परफ्रेंस 5 कॉलेज, 6 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ये, और ये 4 5 प्राइवेट कॉलेज। इनके अंदर कुल मिला के टोटल सीटें ही कुछ हजारों में थी। अब यहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट 13 से 14 हजार बच्चों ने अप्लाई किया है, और अगर अच्छी सीटों की बात करें तो वो बहुत कम है। देखना कुछ कॉलेजेस ने क्या किया, अब दिमाग लगाया प्राइवेट कॉलेजेस ने स्पेशली। बहुत सारी अगर आप जयपुर के कॉलेज देखोगे वो तुमको क्या बोलेंगे भाई, हाँ हमारे पास इंग्लिश मीडियम में तो सिर्फ 120 सीटें थी, 7 सीटें थी। आप कोई बात नहीं, हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लॉन्च किया हिंदी के अंदर। हाँ अब थोड़े दिनों बाद ये पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, तमिल, उर्दू, हाँ सारी लैंग्वेजेस में कंप्यूटर साइंस लॉन्च करके 1000 से ज्यादा सीटें बना देंगे। देखो यार प्राइवेट कॉलेजों वालों ने क्या सोचा है, बच्चों को कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये कोर्स करना तो है, लेकिन मैं करूँ क्या? यूजीसी क्या बोलता है उनको, AICT, भाई तू 60 सीटें रख सकता है, तू 120 सीटें मैक्सिमम रख सकता है, इससे ज्यादा मैं नहीं रखने दूंगा। अगर तूने इससे ज्यादा करने की कोशिश की तेरा लाइसेंस खारिज कर दूंगा, तेरे को बर्बाद कर दूंगा मैं। कॉलेज वालों ने दिमाग लगाया, कॉलेज ने कहा कि यार हम इंग्लिश में चलाते हैं, कोई बात नहीं हम कुछ सीटें हिंदी में भी लॉन्च कर देते हैं। तो वो बच्चों को क्या बोलते हैं, भाई तेरी डिग्री पे हिंदी लिखा रहेगा, कोई बात नहीं तेरे को हम इंग्लिश में तो पढ़ाएंगे, जैसा नॉर्मल पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। हाँ, वैसे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि सीट बढ़ाने के चक्कर में ऐसा करना पड़ रहा है, तो वैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको हिंदी में मिल रहा है तो आप हिंदी में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। लोट ऑफ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी लोट नहीं हुआ है, उनका अलॉटमेंट बिल्कुल जीरो है, शून्य है, तो उनको क्या करना पड़ेगा अब, या फिर उनके पास अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं? देखो यार मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस के आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस देखे होंगे, MBM जोधपुर, CTU उदयपुर, BTU बीकानेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, हाँ उसके बाद में MLV टेक्सटाइल कॉलेज, RTU कोटा, एंड ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, हाँ जो कि गवर्नमेंट की डिग्री प्रोवाइड कर रहे थे। बच्चों ने अप्लाई किया भैया कम फीस से, CTI उदयपुर जैसे कॉलेजेस, लेकिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। तो अगर अभी जो अलॉटमेंट आया है, बहुत सारे बच्चों को कुछ लोअर ब्रांचेस मिली होगी, लेकिन काफी सारे बच्चों का ये सपना है कि भैया कंप्यूटर साइंस करना है, कंप्यूटर साइंस में कैसे मिलेगा एडमिशन? डोंट वरी, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा एंड टिल एंड तक आपका एडमिशन भी करा के रहूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आप लोग चिंता ना करें। अदर अदर स्टेट में भी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर सीटें वैकेंट है, आप उनकी तरफ भी आगे कैसे जा सकते हो, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, यूपी में, पंजाब में, महाराष्ट्र के अंदर, इधर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? हा? वैसे तो हमारे राजस्थान में भी कोने कोने पर कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं। हाँ, अब देखो राजस्थान में वैसे बहुत कम सीटें हैं। अब आप लोगों के जो अलॉटमेंट आ चुके हैं, पहले आप लोगों को यह करना है, जिन भी बच्चों का अलॉटमेंट आए सारे के सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने और पहुंच जाना है यूनिवर्सिटी और कॉलेज। हाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं, फीस जमा करा देनी है। अगर आपको जो ब्रांच मिल रही है आप उसे सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अगर नहीं है कि भैया मेरे को तो ऊपर वाला चाहिए, मेरे को 80 ऊपर वाला ब्रांच चाहिए, देन आप क्या करो, आप जो है अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दो। याद रहे अपवर्ड मूवमेंट के लिए वही बच्चा अप्लीकेबल होगा जो कॉलेज में जाके अपनी फीस जमा कराएगा या फिर अपने डॉक्यूमेंट एंड सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा। अगर कोई बच्चे को सीट पसंद नहीं आ रही कि भैया ये तो प्राइवेट कॉलेज है, ये तो लोअर ब्रांच है, मेरे को ये ब्रांच नहीं लेनी, मेरे को अपवर्ड मोमेंट में जाना है, मेरे को ऊपर के कॉलेज चाहिए, अगर आप ऊपर के कॉलेज में जाना चाहते हो देन आपके पास एक ही ऑप्शन है, पहले आपको ये सीट लेनी पड़ेगी, फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी रीप को कि भाई मेरे को अपवर्ड मोमेंट के लिए भेजो, मेरे को ऊपर वाला कॉलेज दिलाओ, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है इसका। अब रहता है यार गवर्नमेंट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है,
जैसे ही आपका ये राउंड क्लोज हो जाएगा उसके बाद में स्टार्ट होगा इंटरनल स्लाइडिंग एंड स्पोर्ट एडमिशन। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको आरटीयू कोटा का केमिकल मिला है लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, मैं आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। अब आपको केमिकल तो मिला हुआ है तो आपकी जो स्लाइडिंग चेंज होगी, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप अपने कोर्सेज की रैंक चेंज कर सकते हो। भैया मेरे को केमिकल मिला था लेकिन मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में, आप जो है मेरा ब्रांच चेंज कर दो कंप्यूटर साइंस में। अच्छा आरटीयू कोटा बोलता है ठीक है, वो क्या करता है वो चेक करता है भाई इसकी रैंक तो इतनी है, मेरे पास सीट भी अवेलेबल है, कोई बात नहीं इसको दे देता हूँ, या फिर इसको मैं इसके अलावा और कौन सी ब्रांच दे सकता हूँ इसकी प्रेफरेंस के हिसाब से। आप क्या करते हो उसको प्रेफरेंस बना के देते हो 1 2 3 4 5 6। अब वो आरटीयू कोटा आपके मार्क्स के बेसिस पे जितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको लोड करता है, भाई तेरे को ये नया ब्रांच लोड हो रहा है इंटरनल स्लाइडिंग में, ये तेरे को लोड हो रहा है, और ये सारा प्रोसेस रहता है। एक रहता है स्पोर्ट एडमिशन। देखो ये जितने भी कॉलेजेज हैं इनमें एडमिशन बच्चों के हुए हैं अभी, हाँ कुछ 15% कोटा ऑलमोस्ट आउट ऑफ राजस्थान वालों का था एंड कुछ 85% कोटा राजस्थान वालों का था। जैसे ही 10 तारीख को अलॉटमेंट आ रहा है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं सीटें लेते नहीं है, हाँ सीट नहीं लेंगे भैया खराब कॉलेज है, या फिर मेरे को बाहर मिल गया सीसीएफ में मिल गया, जोसा में मिल गया, जेक दिल्ली, जेक चंडीगढ़, उधर हमारा एडमिशन हो गया इसलिए हमको इधर नहीं चाहिए, हाँ हमको एडमिशन लेना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करता है कॉलेज परेशान हो जाता है भैया, हाँ रीप आउट हो जाता है, रीप बोलता है मैं जा रहा हूँ मुझसे कुछ नहीं होगा, अब कॉलेज हूँ तुम देख लो अपना, ठीक है तुमको जुमारा जो भी है तुम देख लो, तुमको एक्स्ट्रा पैसे लेके एडमिशन देना है कैसे देना है तुम तुम्हारा देखो, मैं जा रहा हूँ मैंने तुम्हारी काउंसलिंग पूरी करा दी, और रीप तो वहीं से कट लेता है ना, रीप चला जाएगा। अब कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज इंडिविजुअली आपको बुलाएगा, हेलो बच्चों हमारे पास सीटें वेकेंट हैं, कोई बात नहीं आप हमारे इस एड्रेस पे इतनी बजे पहुंच जाना, हमारे एडमिशन काउंसलर बैठे होंगे और आपका एडमिशन हम कर देंगे। उसको बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन, स्पोर्ट एडमिशन, वो 12th मार्क्स के बेसिस पे भी होता है, जेई मेन के बेसिस पे भी होता है। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं पहले वेबसाइट पे बच्चों के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि यार कितने बच्चे आने वाले हैं, फिर उनको सीरियल नंबर भी दे देते हैं, भाई तू इतने नंबर पे डिजर्व कर रहा है, तू इतना पानी के अंदर है, तू इतना ऊपर है। अब जिन बच्चों के काफी अच्छे सीरियल नंबर होते हैं कि भाई मैं तो टॉप इतने में हूँ, मैं टॉप 100 में हूँ, मैं टॉप 50 में हूँ, मेरा एडमिशन हो सकता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं ऑफलाइन चले जाते हैं। और जिनके हजारों में नंबर आ रहा है कि भैया मैं तो 500 पे है, यहाँ पे 50 सीटें ही 15 है, देन वो बच्चे क्यों ही जाए फिर, ठीक है। और वो 15% जो सीटें थी आउट ऑफ राजस्थान वाली, उसमें भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से थे, वो आए नहीं राजस्थान की तरफ, तो वो सीटें भी यहाँ पे वेकेंट रहेगी। तो यहाँ पे भी जो है क्या हुआ, अब वो सीटें भी स्पोर्ट एडमिशन के जरिए या फिर जो राजस्थान वाला राउंड है उसके जरिए भरी जाएगी। हाँ उसके बाद यार आप लोगों का मौका मिलता है आपको आउट ऑफ राजस्थान, वैसे पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह, आई की गुजराल, जीएनडीयू, गुरु नानक देव, एमआरएसपीटीयू एंड लोट ऑफ अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। उसके बाद में आप लोगों के पास जैसे कि संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, AKTU, राजीव गांधी, फिरोज गांधी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हेमवती गढ़वाल एंड लोट ऑफ कॉलेजेस आल्सो अवेलेबल इन द यूपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। लेकिन आप इनमें एडमिशन कैसे मिल सकते हो भैया, हाँ हमको तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, आउट ऑफ राजस्थान भी मिले तो चलेगा लेकिन बनना तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही है, देन नो इश्यू, हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प कर सकती है इसके रिगार्डिंग। यार हम कुछ काउंसलिंग चार्ज लेते हैं इसके रिगार्डिंग, हम आपको बिल्कुल बता दें कि हम आपसे कोई मैनेजमेंट कोटा फीस, कोई अदर कोटा फीस, कोई कुछ भी चार्ज नहीं करते, एकदम लोएस्ट स्कोर के अंदर, एकदम लोएस्ट काउंसलिंग फीस में हम आपका एडमिशन करा देते हैं। इनफैक्ट हमारा 1-2000 रुपीज का 1999 रुपए का काउंसलिंग प्लान भी चलता है, जिसके अंदर हम आपको पूरा कंप्लीट गाइड करते हैं कि भाई तेरा एडमिशन इस कॉलेज में, इस गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, तेरे इतने मार्क्स हैं, आप वो नंबर आपको सारी की सारी लिस्टें दे दी जाती है, तो इस कॉलेज में चला जा और तेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पे कंफर्म एडमिशन हो जाता है। एक मैम क्या करते हैं भाई, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको कोई, तुम बस घर पे बैठे रहो, मूवी देखो, तुम्हारा सारा का सारा प्रोसेस हम कंप्लीट करके देते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट लोकेशन, हम आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलमोस्ट
9,999 रुपये में कंप्लीट कर देते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप भी गवर्नमेंट कॉलेजों में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन या फिर स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो MBM जोधपुर हो, RTU कोटा, CTU उदयपुर, BTU बीकानेर, MLV टेक्सटाइल, हाँ ज्ञानी जैल सिंह, IK गुजराल और भी लोट ऑफ कॉलेजेज है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेज, बाबा साहब गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, CU जम्मू, हाँ CU कश्मीर, उसके बाद में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, MMUT एंड लोट ऑफ ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज है जिनके अंदर स्पोर्ट एडमिशन अभी चल रहा होगा और आपका एडमिशन एक बहुत अच्छे ब्रांच में हो सकता है।